सनसनीखेज रात का समय था, चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। केवल एक ही कमरा प्रकाशित था और वहां चार मोमबत्तियां जल रही थी। चारों मोमबत्तियां एकांत देखकर आपस में बात करने लगी। तो पहली मोमबत्ती बोली, मैं शांति हूँ। जब मैं इस दुनिया को देखती हूँ तो बहुत दुखी होती हूँ। चारों ओर आपाधापी, लूटपाट और हिंसा का बोलबाला है। ऐसे में यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। इतना कहकर वह मोमबत्ती बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती भी अपने मन की बात कहने लगी, मैं विश्वास हूँ। मुझे लगता है कि झूठ धोखा है, फरेब है, बेईमानी है। मेरा वजूद खत्म करते जा रहे हैं। ये जगह मेरे लायक नहीं रहा, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर दूसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती के बुझ जाने के बाद तीसरी मोमबत्ती भी दुखी हुई। वह बोली, मैं प्रेम हूँ। मैं हर किसी के लिए हर पल जल सकती हूँ, लेकिन अब किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं बचा। स्वार्थ और नफरत का भाव मेरा स्थान लेते जा रहा है। लोगों के मन में अपनों के प्रति प्रेम भावना बची ही नहीं है। अब ये सहना मेरे बस की बात नहीं, मेरे लिए जाना ही ठीक होगा। यह कहकर तीसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती बुझी ही थी कि कमरे में एक बालक ने प्रवेश किया। मोमबत्तियों को बुझा हुआ देखकर वह बहुत दुखी हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दुखी मन से वह बोला, इस तरह बीच में ही मेरे जीवन में अंधेरा कैसे हो सकता है? मोमबत्तियों, तुम्हें अंत तक पूरा जलना था, लेकिन तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगा? बालक की बात सुनकर चौथी मोमबत्ती बोली, घबराओ नहीं बालक, मैं आशा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक मैं जल रही हूँ, तुम मेरी लौ से दूसरी मोमबत्तियों को जला सकते हो। चौथी मोमबत्ती की बात सुनकर बालक का ढाढ़स बंध गया। उसने आशा और शांति, विश्वास और प्रेम को पुनः प्रकाशित कर लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में हर समय एक सा नहीं होता। कभी उजाला रहता है तो कभी अंधेरा। जब जीवन में अंधकार आए, मन अशांत हो जाए तथा विश्वास डगमगाने लगे और दुनिया पराई लगने लगे, तब आशा का दीपक जला लेना। जब तक आशा का दीपक जलता रहेगा, जीवन में कभी अंधेरा नहीं होगा। आशा के बल पर जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है। इसलिए आशा के साथ कभी न छोड़े और जीवन में लगातार आशा के साथ निरंतर प्रयास करते रहें। सफलता आपको जरूर मिलेगी।